तो मेरा दास का कहने का भाव यह है, जो वैज्ञानिक जिस थ्योरी पर अटके हुए वो तो बहुत ही सेपरेट है और अंश है परमात्मा की शक्ति और सिद्धि का, उसी के द्वारा दिया गया मैटेरियल है, उसी के ऊपर अनुसंधान ये करते हैं, और परमात्मा ने मैटेरियल ना दिया होता तो ये वैज्ञानिक कहाँ से उत्पन्न होते। ये सब गॉड गिवन है, गॉड गिफ्ट है, और हम उसको बोल करके स्वयं चौधरी पाक जा हैं, ये हमारी नालायकी और अज्ञानता है। अब आप देखो, परमात्मा 6 दिन में सृष्टि के और 1 सेकंड में सृष्टि रखते, सेकंड के भी कुछ पल में। आपने देखा होगा, पहले जादूगर आया करते गाँव में, मदारी बोलिया करते उनको। वो क्या करते थे जादूगर, एक छोटा सा कंचा होया करता और एक गोली कांच की, बच्चे खेला करते नू नू कर कर, वो छोटी छोटी सी होती हैं, उनको क्या करता वो एक गोली मुंह में दे लेता इतनी की, और थोड़ी देर में करता हा ओड बड़ा पत्थर काट देता मुंह में 1 सेकंड में। बता वो क्या चीज है, बता उसने कितनी देर लाएगी 1 सेकंड में इतनी गोली का, और पत्थर कति चीकना, और 3-4 गोली ऐसे फेंक के थोड़ी देर में आ नोट काट काट कर 5-7 इतने मोटे मोटे पूरे वजनदार ने उठा उठा के देखा करते सब। वो कितना आगे भाई, वो तो एक छोटा सा सिंपल सा मैन है, जो एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त है जिससे उसने ये बना दिया, और उस परम पिता के पास तो असंख्य सिद्धियां हैं, उसकी शब्द में वो शक्ति है। 1 सेकंड में एक अणु का वो पूरी पृथ्वी बना सकता है, वो परम जादूगर है, वो भगलीगर, परम भगलीगर है, भगलीगर माने जादूगर। तो परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित और केवल एक ही हल्दी की गांठ पर पंसारी, वैज्ञानिक तो एक हल्दी की गांठ पर पंसारी बन बैठे हैं, लेकिन पंसारी की दुकान में बहुत सामान होता है और तभी वो दुकान चलती है। तो परमात्मा ने हर तरह की हर प्रकार का हमें जो दिया है, हम उस पर अनुसंधान करके केवल यही सोच बैठते हैं कि बस इतना ही है, नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा की क्रिया में अविश्वास नहीं होना चाहिए। जहाँ तक वैज्ञानिक बात करते हैं, वो अपने सीधा हीट एंड ट्रायल मेथड से वो भी ठीक बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को नकारा करते हैं, ये उनकी महामूर्खता है, बस इतनी सी कहना चाहते। अब उस परमात्मा की कृपा से दास को ये ज्ञान हुआ, अब उस परमेश्वर ने स्वयं ही अपना ज्ञान दिया। वो कैसे यहां आया, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, त्रेता में उनका मुनिंदर नाम, और द्वापर में करुणा में से, और इसमें कलयुग में वो कबीर नाम से आते हैं। जब वो द्वापर युग में आए थे, उसमें उनका एक शिष्य बना था सुदर्शन सुपच, सुपच माने हरि, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं ऐसे। तो वो सुपच कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, सुदर्शन उनका नाम था। तो उस समय वो बाल्मीक जाति में उत्पन्न हुए थे सुदर्शन जी, और उस समय परमात्मा कबीर जी भी वहाँ ऐसे ही लीला करके प्रकट हुए थे, और उसमें वो सुदर्शन जी परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था। उसके माता पिता ने प्रभु की बात को नहीं स्वीकार किया था, तो सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, हे मालिक एक अर्ज है आपके दास की, यदि उनको कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हो तो अपनी शरण में लेना। परमात्मा ने देखा था कि ये सुदर्शन माँ के माता पिता के मोह में काल के जाल में फंसेगा, क्योंकि ये मोह भी एक काल की फांसी है, एक दूसरे के प्रति हमारा जो ममता बनी हुई ये भी काल के फंसाने का एक और रस्सा है। परमात्मा ने सोचा और तो ये निर्मल हो गया, ज्ञान से भी परिचित होगा, लेकिन मोह वाली फांसी इसके अब भी है। तब प्रभु ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं वचन देता हूँ, मैं तेरे प्रॉमिस करता हूँ कि तेरे माता पिता को मैं पार करूँगा। फिर वो खुश, वो काल से फिर बिल्कुल हट गया। तब सुदर्शन जी का
छुटकारा हुआ। अपने उस प्रॉमिस के आधार पर, अपने वचनबद्ध होने के कारण प्रभु ने सुदर्शन जी के माता पिता जो पहले वाल्मीकि जाति में थे और फिर द्वापर इस कलियुग के अंदर वो ब्राह्मण और ब्राह्मण घर में जन्म हुआ दोनों का, और दोनों का फिर संयोग हुआ, वो ब्याह हुआ। उसमें ये उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, गौरी शंकर नाम था उस नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। गौरी शंकर एक बहुत ही अच्छे नेक व्यक्ति थे और शिवजी के पुजारी थे। शिवजी की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को गुमराह नहीं करते थे। जो भी पैसा दान दक्षिणा का आ जाता था किसी से नहीं मांगते थे, कथा करते थे, कथा के उपलक्ष में कोई दान कर जाता था उसी से अपना खाना पीना भी चलाते थे गृहस्थी, और साथ में जो शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे। दुरुपयोग नहीं करते थे, जोड़ जोड़ के नहीं रखते थे या बहका कर किसी से पैसा नहीं लेते थे, जिस कारण से पूरी बनारस में काशी में उनकी बहुत अच्छी छवि थी। और दूसरे जो नकली ब्राह्मण थे वो स्वार्थी लोग थे, वो उनसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उनके पास लोग ज़्यादा जाते थे और उन स्वार्थियों के पास तो कोई फंसा हुआ जाता था। इस कारण से वो ब्राह्मण दूसरे जो गुरु लोग थे ब्राह्मण थे वो उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात से मुसलमान भी परिचित थे। मुसलमानों को ये पता लग गया कि गौरी शंकर के साथ कोई भी ब्राह्मण गुरु नहीं है, क्योंकि ये गुरु लोग ही जनता को लड़ाकर मारते हैं, यही उनको गुमराह करते हैं। और ये भोली श्रद्धा गुरु, जनता गुरुओं के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, उनके आदेश से वो ना जाने के कर डालते हैं। तो उनको ये मालूम था कि गौरी शंकर के साथ ये गुरु लोग नहीं हैं और ये अकेले हैं। और मुसलमानों को ये भी पता था कि हिंदू धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा यही कर रहा है, भगवान शिव की महिमा जगह जगह बताता है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस गौरी शंकर को मुसलमान बनाने का इरादा किया। उसके घर पे अपना पानी छिड़क दिया, उसके वस्त्रों पर छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया दोनों के, और आवाज लगा दी कि भाई ये गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं। उधर से वो गुरु जो नकली ब्राह्मण थे उनको पता चला, वो आए वहां पर देखा कि ये तो मुसलमान उनके घरों पर पानी छिड़क चुके हैं, तो उन्होंने डंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर का हुक्का जो है ना भाईचारा बंद, वो मुसलमान बन गया है, उससे कोई बात नहीं करे, उसको गंगा में स्नान करना बंद। तो इस तरह की सारी प्रतिबंध ला दिए। अब मुसलमानों ने उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली, तो उसको नीरू कहने लगे, नूर अली। और सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। अब पहले वो पैसा जो आता था पूजा का उससे अपना घर का निर्वाह चलाते थे, घर चलाते थे। अब वो पैसा आना बंद हो गया क्योंकि अब वो हिंदू शास्त्रों को छू नहीं सकता, ऐसी प्रतिबंध लगा दी। तो उन्होंने सोचा कि के काम करें, कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण से वो जुलाहे, अब जैसा कर्म कोई करेगा तो उसी नाम से वो जो है ना प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसको जुलाहा कहने लगे, वो जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उसको ने वहाँ से भी अपनी वहाँ झोंपड़ी छोड़कर जुलाहों की कॉलोनी में वहाँ जाकर आश्रय लिया, वहाँ एक थोड़ी सी जगह घेर कर वहाँ अपना कोई मकान थोड़ी सी झोंपड़ी डाल ली। अब उनकी बहुत आयु हो गई थी, 50-55 वर्ष के वो हो चुके थे, तब तक उनका कोई संतान नहीं हुई। अपरमात्मा चाहते तो उनको संतान भी दे सकते थे, लेकिन उनको संतान क्यों नहीं दी, क्योंकि परमात्मा को मालूम है एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़िया एक ठाठा,
अंत में सब बारा बटा। कि जिस पुण्यात्मा का पिछला कोई लेन देन शेष नहीं है तो वो पुण्यात्मा है, उसको कोई संतान नहीं है, वो बड़ी भगवान आत्मा है संत मते के अनुसार, और संसारिक और काल की प्रेरणा के अनुसार संसार उसको सबसे घटिया और बदकिस्मत मानता है। तो संत मार्ग इसलिए समाज से कति विपरीत है, और इसीलिए इसमें आपसी संघर्ष भी रहता है। अब ये पुत्र पुत्रियों का हमारे साथ क्या संबंध है, एक कथा सुनाते हैं। एक ग्राम में दो भाई थे। बड़ा भाई 18 वर्ष का और छोटा भाई था जो 11-12 वर्ष का। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा अनमैरिड था। उनके जमीन बहुत थी, जायदाद बहुत थी, संपत्ति अच्छी थी, 30-40 एकड़ जमीन थी। एक दिन बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या हुआ कि वो छोटा भाई बीमार हो गया, बुखार आ गया। महीने डेढ़ महीने महीने 20 दिन वो बुखार ठीक ना होया, मोती जारा निकलाया, वो सूख के चार पाई पे पड़ा सा दिखे थोड़ा सा। वैसे मरने की हालत में नहीं था, कमजोर बहुत हो गया था, माता पिता थे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो उस भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या दोष आ गया कि ये हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, बीमार हो गया, और ये मर जा तो बढ़िया है, इसको मरवा दिया जाए। अब बीमारी का ही बहाना हो रहा है, लोग ने सोचेंगे बीमार था, और सारी संपत्ति अपने अपने को मिल जाए। कहते हैं लालच नीच नकीब है इन फौजा माही, दोनों की एक सलाह होगी। वहां एक वैद था, उस वैद से मिले जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उससे कहा कि तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, इसको विष दे दे, ये मर जा। तो उसने भी अपने 500-400 रुपये कह दिए, भाई 500 रुपये लूँगा मैं, दे दूँगा विष। वो 500 रुपये उस वैद्य ने लेकर उसको दवाई के रूप में विष दे दिया, वो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो कोई बात नहीं, बात खत्म हुई, कोई चर्चा चली नहीं, भी बीमार था, उठा के कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो सारी संपत्ति उनके पास होगी, और एक वर्ष के बाद उनका एक लड़का हो गया, जब तक कोई संतान नहीं थी। अब इकलौता पुत्र और कोई संतान हो ही नहीं, इकलौता पुत्र उसको खूब खिलावें, बढ़िया आहार करें करवावें हैं, तो गिने दिनों में वो कुछ ही समय में जवान हो गया। कहने का भाव यह है कि 12-13-14 साल का होते ही उसका ब्याह कर दिया, उस लड़के का अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह होते ही 6 महीने के बाद, विवाह के 6 महीने के बाद पश्चात वो लड़का बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके पिताजी ने उसके ट्रीटमेंट पर कई हजारों रुपये बर्बाद किए लगाए। जहाँ भी जिसने वैद्य बताया वहाँ गए, महंगे से महंगी दवाई, फिर कहीं झाड़ फूँक करने वालों के बारे में बताया वहाँ भी गए, लेकिन रोग समाप्त होने का, नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा, और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। दोनों उस लड़के के माता पिता रो रहे हैं, और पैसा भी पानी की तरह बहा रहे हैं, और लड़का सूखता जा रहा है, कमजोर वीक होता जा रहा है। एक दिन दोनों उसके माता पिता व उसके पास बैठे और बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे। उस लड़के ने कहा अपने भाई का नाम लेकर के, भाई साहब मेरी बात सुन ले, अपने पिता को
उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई साहब मेरे आखिरी वचन सुन ले। अब उनको ये पक्का हो गया कि लड़का तो मरेगा, जब हमें पहचान नहीं रहा, मुझे भाई कह रहा है बाप को। तो उसका पिताजी कहने लगा, बेटा मैं भाई नहीं तेरा पिताजी हूं। बोला, ना तू मेरा बाप है, बाप नहीं है तू मेरा भाई है। तो वो कहता, नहीं बेटा तू पहचान नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं, ना तू मेरा भाई है। सुन ले मेरी बात, कि मैं तेरा वो छोटा भाई था जिसको तूने विष देकर मरवाया, और कहा भाई साहब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो लिया, अब केवल लकड़ियां का और कफन का पैसा शेष रहता है, मैं तेरा मांगता रह गया। अब उसमें क्या किया कि उसने उस बच्चे के इलाज पर आधी जमीन भी बेच डाली, जो उस लड़के का भाई का हिस्सा था वो खत्म हो चुका था, इतनी जमीन वो बेच कर उस पर ला चुका था। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं तेरा वो छोटे वाला भाई हूं और तेरा पुत्र बनकर आया हूं अपना हिसाब कराने के लिए, तूने मेरी संपत्ति हड़पी थी और अब मैंने अपना हिसाब बराबर हो लिया तेरा मेरा, अब मैं चलता हूं।